हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित करदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। 27 नवंबर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी हुआ है। आइए कैंडिडेट से बात करेंगे और जानेंगे कैसा हुआ एग्जाम, क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या पैटर्न था, कितने क्वेश्चन किए आपने? जी 78। आपने कितने किए? 81। आपने कितने किए? 92। 91। 95। 85। तो क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर्स 16 और 17 का आ रहा है। क्या आ रहा है 16 17 का? 16 17 का जैसे एग्जाम में टेनिस वगैरह का है, खेल बैडमिंटन ये सब। गेमी अवार्ड से पूछा गया थोड़ा सवाल। क्या सवाल पूछा गया था? कि 2017 का गेमी अवार्ड किससे दिया गया है। और क्या क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स में? फिजिक्स में क्या पूछा जा रहा है? जी फिजिक्स बेसिकली बायो से ज़्यादा है, बायो से आया था। उसमें कोशिकाओं के बारे में पूछा गया था, ऊतक के बारे में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन थे बता सकते हो? कि जो जो फेफड़ों के लिए जो धमनी जाती है उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से? और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ऐसे गैस वगैरह के लिए पूछी गई थी। मोल के बारे में पूछा गया था कि कौन सा मोल दिया गया, परमाणु ऊतक में आता है कि नहीं आता है। अच्छा, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, इस तरह से आया था। उसके ऑप्शन थे हीलियम, रेडॉन और ऊपर दिया था क्लोरीन, तो क्लोरीन नहीं थी। बैंकिंग से रिलेटेड था, प्रत्यक्ष कर, आयकर ये सब था। कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स ठीक थी, सिंपल। मैथमेटिक्स में जैसे ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन? जैसे कि कितने किलोमीटर में चाल निकालनी थी ट्रेन की, कि कितने देर में ये ट्रेन पार कर लेगी उस व्यक्ति को, इस तरह से। टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन थे। किसी कार्य को इतने समय में कर सकता है, तो बी और सी दोनों मिलकर इतने करते हैं, तो बचा हुआ कार्य कितने प्रतिशत की दर से हो जाएगा, इस तरह से। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया? एक दो सवाल आए थे। बेसिकली आया था कि दो बंदों को कुछ अमाउंट दिया गया, उसमें 5% 10% के हिसाब से जो दिया गया था अमाउंट, जो भी आया था ब्याज, उस पर 5% का कितना बना वो निकालना है। दूसरी राशि के 8 गुणे के कितने बराबर होगा, इस तरह से कुछ था क्वेश्चन। ध्यान नहीं है पूरी तरह से। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आया? नहीं, कैलेंडर था। बृहस्पति ये था कि 2000 मतलब कि 15 अगस्त 2019 को बृहस्पतिवार था, तो इसमें से कौन सा लीप ईयर? सेम ईयर तो लीप ईयर से ही तो था ना। कितने क्वेश्चन किए आपने? हमने 90 क्वेश्चन किए। और क्या रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है? नॉर्मल प्रतिबिंब दर्पण में कैसा बनेगा, जल पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह का जो है। काम और समय से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन? काम, जैसे कि एक इतने समय में इतना काम करता है, तो दो घंटे बाद पाइप टंकी से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ब्लड रेशन से? नहीं सर। निष्कर्ष में बहुत इजी पूछे गए थे, जैसे कि मतलब पी क्यू का संबंध इससे है, उसी से रिलेशन से पूछा गया था क्वेश्चन जो है। या सभी पेड़ बाग हैं, पेड़ का आया था, बाकी जो है अलग तरीके से थे, कि मतलब जैसे कोई समीकरण दे दिया गया है, पूछा गया इसके मूल होंगे, अब उसमें कैसे मूल निकाल लेंगे, तो इसी रिलेशन से क्वेश्चन। 3 निष्कर्ष दिए गए थे? नहीं, किसी एक में 3 दिए गए थे। सर फिल्मों से रिलेटेड क्वेश्चन आया? किससे? फिल्मों से रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं पूछा गया। कोई अवार्ड वगैरह पूछा हो? वीरता पुरस्कार वाला जो मिलता है, सर्वोच्च पुरस्कार, परमवीर चक्र होगा, जो मतलब दुश्मन के सामने अपने प्राणों का त्याग कर दे, उसको परमवीर चक्र मिलता है। हिस्ट्री में क्या पूछा गया? भूगोल का आया था, जियोग्राफी का एक दो क्वेश्चन आया था। इसमें एक था कि जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं जो है, अजंता की गुफाएं किसने बनवाया था, ये आया था क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसी देश की राजधानी वगैरह पूछी गई? राज्यपाल ये पूछा गया था। केसर युक्त मतलब केसर कहाँ पर भारत में ज्यादा पाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स में ग्रेविटी से? फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्वेश्चन थे? ये द्रव्यमान दिया गया था, उसके बाद जो है उससे फोर्स पूछा गया था। मात्रक वगैरह पूछा गया? मात्रक नहीं पूछा गया था। मात्रक केमिस्ट्री में किसका सूत्र अगर साड़ी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्या सूत्र वगैरह से पूछा गया था? सूत्र वगैरह मुझे केमिस्ट्री में किसी का नहीं, एल्डिहाइड का पूछा था। एल्डिहाइड के रिलेटेड क्वेश्चन टफ थे, पता नहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इंटर लेवल के थे। रसायन जिस प्रकार से अणु से संबंधित है, वैसे जीव विज्ञान किससे संबंधित है, क्या होता है, मोल होता है, उसे विज्ञान किससे संबंधित है, वर्गमूल वगैरह घनमूल। आप ऐसा दो तीन क्वेश्चन। किसका वर्गमूल पूछा था? एक पूछा था, अब इतना तो नहीं है, 4100 जो 204 का वर्गमूल जो वर्ग होता है उसी का वर्गमूल पूछा था।
लासा मासा नहीं, ये सब भिन्न वगैरह भिन्न नहीं पूछा गया, सरलीकरण पूछा गया, दो क्वेश्चन थे, अरे लंबे क्वेश्चन 27 प्लस पर माइनस ऐसे था उसको ट्रिग्नोमेट्री से, हाँ इससे क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे मतलब पूछा गया था, क्वेश्चन हम बता रहे हैं टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए इन टू बी, तो पूछा गया था टेन 45 उसका टेन 75 अंश का मान बताइए, कुछ आया घन ग्राफ समझो नहीं नहीं वृत्त से आया था क्वेश्चन, वृत्त से, अब जैसे एक वृत्त की परिधि इतना है मतलब इतने मीटर की मतलब कितनी समय में गोला मार सकता है, हाइट डिस्टेंस से नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं से जो पूछा गया था टफ क्वेश्चन डिस्टेंस से आया था नहीं, पाइप एंड टैंकी से पूछा गया था क्वेश्चन, वर्क यहां से क्वेश्चन गहराई से पूछा था, कितने कितने क्वेश्चन किए आपने, 85 क्वेश्चन किए हैं, वॉलीबॉल का था, एक खिलाड़ियों के नाम पूछा गया था, पूछा गया था एक वस्तु का द्रव्यमान तीन गुना कर दिया जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे, पेनारेक्स आया था जैसे दिया गया था ए, मतलब खिलाड़ियों में ए, इसके हैं बास्केटबॉल के हैं ये जो है मतलब कि उसके खिलाड़ी हैं तो इसमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऑक्सीकरण क्या दर्शाता है ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, संभारिक से पूछा गया था क्वेश्चन, किसी के माध्यम के बारे में पूछी थी, पूछा गया था इसमें से संभारिक मतलब कि समपरमाणुक हैं जैसे CO2 N2 P4 ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, कितने क्वेश्चन किए आपने, किए 70 क्वेश्चन किए थे, आपने कितने किए, 75, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मतलब, वेन डायग्राम से 4-5 क्वेश्चन आए थे और एक आया था 630 और कॉस 0 और साइन 90 का, ये आया था और एक आया था ग्रैमी अवार्ड 2018 में किसको मिला, और मैं तो बहुत सरल आई थी, रीजनिंग भी सरल आई थी एकदम, क्या आया था रीजनिंग, रीजनिंग वैसे कथन से 2-3 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन में अरे वही एक लड़की का नाम था पूछ रहे थे, वो इस दिशा में गई फिर इतना इस दिशा में, वही इसी तरह क्वेश्चन था याद नहीं पूरा, जो इराक में भारत बना रहा है बंदरगाह, क्या नाम है, बांग्लादेश नहीं होगा, इराक में बना रहा है बंदरगाह, इराक में जो बंदरगाह अभी मोदी बनवा रहे हैं वो क्वेश्चन पूछा गया, कितने क्वेश्चन किया, हमने 80 किए थे, 60 किए सर, क्वेश्चन था एक क्वेश्चन था कि वो राष्ट्रीय कांग्रेस 105वीं कहाँ पर मनाई गई थी, तो वो था वहाँ मणिपुर में था, इसी तरह थे 4-5 क्वेश्चन थे करंट के, और क्वेश्चन आए थे उससे कोडिंग डिकोडिंग से, क्या क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग वाले सर, उसका उल्टा था एक और एक था, दो बड़ बड़ के आ रहा था ऐसे, एक का सी सी का भी ऐसे बढ़ के आ रहा था, इस तरह थे सब, अरे 4 क्वेश्चन आए थे बड़ों से, बेनारेक्स आए थे 3-4 आए थे उससे, क्या क्वेश्चन दिखा सकते हो, ऐसे कहा था कि ए बास्केटबॉल है और बी टेनिस है और सी जो है क्रिकेट है, तो अगर बी बास्केटबॉल है तो कितने टेनिस नहीं है, उसे जो बेनारे का आया था उसमें था, इधर आए थे सब सर, न्यूटन का बल था ये क्वेश्चन था, इसी सब थे, क्या किसी का मात्रक वगैरह पूछा गया फिजिक्स में, मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं, राशि अधिक राशि नहीं 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 पूछा गया था, मतलब जैसे बल में परिमाण होता है एक दिशा होती है, एक बल से पूछा गया था और एक उससे पूछा गया था कार से पूछा गया था, दो पूछे गए थे सदिश और अधिसदिश, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में जैसे ये वो ऊतक उतक सारे क्वेश्चन आए, ठीक है, और केमिस्ट्री के कुछ आए, सारे रूल्स थे बस यही आ रहे थे, परमाणु बल की खोज किसने की थी, हाँ, और फिजिक्स में ये था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे किस सिद्धांत से लागू किया जाता है, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान नियम है उसको तीन या चुटाई ऊपर कर दे दिया जाए तथा या चुटाई ऊपर उठाने के लिए कितनी स्थितिज ऊर्जा की जरूरत पड़ी, जैसे 3 MGH हो गए उस आंसर, ऐसे क्वेश्चन आया कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 25 दिन में करता है, पहले 4 घंटा ये काम कर तीनों मिल करते हैं, 4 घंटे बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, फिर भी करता है 2 घंटे तक, फिर भी 2 घंटे बाद भी कार करता है, अब बताइए सी उस कार को अकेले कितने दिनों में कर देगा, तो मैं आया था कौन सा स्टेट लैंड नहीं है, ऐसे फॉर्मल लैंड आया था, ब्यूटन लैंड आया था और बर्ड माइस 4-5 क्वेश्चन आए थे, इस तरह आया था और इसके त्रिकोण मिति के 4-5 आए थे, क्या था तो वैसे आया था 10-75 ऐसे दिया है, 10A + 10B भाई 1 + 10A 10B तो 10-75 का मान बताइए, इस तरह सब आए थे पेपर साल था सर, टाइम जो है पासा आया था, इस बार अरे सर आया था उनसे 12-35 है, और वर्ग के आए थे सर 2 सवाल, वर्ग आया था ऐसे 40,000 कुछ दिया था उसका वर्ग मूल याद करना है, और 4,000 था ऐसे कुछ था सर,
तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आज रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 27 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, कैंडिडेट्स ने बताया भी और आपने देखा भी। तो ये था, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो हमें कमेंट करें और बताएं आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैं हूं अमित करदम, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।